सभी किसान बंधुओं को नमस्कार। मैं प्रदीप शुक्ला बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स से, और ये हम बुड़ैना ग्राम में पहुंचे हुए हैं जिसकी तालुका बरघाट है और जिला है सिवनी। यहाँ हमारी बूस्टर कंपनी की धान लगी है महासेना। जैसा कि हम सभी किसान बंधु यहाँ पे फसल अवलोकन करने के लिए पहुँचे हैं, यहाँ पे बड़े उत्कृष्ट किसान भी, सरपंच महोदय और अनुभवी किसान भी आए हैं। साथ में हमारे बीच में बालाजी टेलर से जो विक्रेतागण हैं, जसवाल जी भी पहुँचे हुए हैं फसल निरीक्षण करने के लिए। आइए हम उनसे, जो अपनी ये बूस्टर कंपनी की धान लगी है महासेना, आइए हम उनके विचार जानें कि ये धान उनको कैसे लगी। तो भैया अपना परिचय दीजिए। मैं राम रक्षा जायसवाल। आपकी फर्म का नाम? बालाजी ट्रेडर्स पिंडराई जी। तो जायसवाल जी, जो धान अपन देख रहे हैं बगल से आपके खेत में, बूस्टर कंपनी की धान लगी है महासेना, ये कैसा लग रहा है आपको? धान बहुत बढ़िया है। क्या अच्छाइयाँ समझ में आ रही हैं इसमें? इसमें रोग बहुत कम लग रहा है और ब्रांच बहुत बढ़िया है। बाली वगैरह साइज की बात करें तो बाली बहुत है और वजनदार दाना है। तो आने वाले समय में हम आपसे क्या उपेक्षा करेंगे धान को लेके खरीफ में? सभी किसानों को अपन देंगे धान, और ज्यादा से ज्यादा लोग लगाएंगे वो, उनको उत्पादन अच्छा बढ़ेगा तो और ज्यादा सेल भी होगा, और दूसरा चीज उनका लाभ होगा, किसानों को ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा होगी तो इसमें ज्यादा आकर्षित होंगे। चलिए धन्यवाद जायसवाल जी। और भी हमारे, तो जिस किसान बंधु ने हमारी धान लगाई है बूस्टर कंपनी की महासेना, आइए हम उनसे परिचय और धान के बारे में पूछेंगे। तो बाबूजी आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम सावनलाल बघेल है। सावनलाल बघेल जी, ग्राम बुड़ेना खुर्द है। और तहसील क्या लगती है? थाना बरघाट है, जिला सिवनी है, तहसील बरघाट है। बरघाट है। तो बघेल जी, जो आपने ये बूस्टर कंपनी की धान लगाई है, आपने ये क्या महासेना पहली बार लगाई है? ये पहली बार लगाई है। तो ये आपको धान लगाने के लिए किसने सजेस्ट किया? ये मेरे को जायसवाल जी ने, कैसे मैं धान लगाने तो था, फिर जायसवाल जी ने सलाह दी कि यार ये अभी नई धान आई है, दो एक वर्ष हो गया, तो इसको लगा के देखो। तो इसको मैंने रोपणी किया, तो इसमें रोपणी में मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसका दाना खराब नहीं हुआ खार भरते समय। जी जी जी। इसके बाद मैंने रोपणी किया तो इसमें दूसरी धान की अपेक्षा, मैंने वैसे दो साल पहले भी लगा चुका हूँ, ये खेती ऐसी कर लिया हूँ गर्मी की। जी जी जी। इसके बाद इस वर्ष देखा तो उसमें जो गुर्द बनना चाहिए, एक दो पखीचे नहीं आए, इसमें कम से कम 10-12-15 भी हैं, वो नीचे वाली बंदी में, तो इससे ज़्यादा अच्छी धान है मेरी। तो मेरे को ये अच्छा लगा, इसका माने बारीक पौध भी है, ग्रोथ भी अच्छा आया, इसलिए इस धान को मेरे हिसाब से तो अच्छी पसंद है मेरे को ये धान। तो आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हूँ। आने वाले समय में अपने आसपास के किसानों से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सोचता हूँ कि इस धान की उपलब्धि अच्छी अब गाने से और पता लग जाएगा, देखने से जब अच्छा लग रहा है तो गाने से अच्छा ही होगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि सभी किसान इसका अधिक से अधिक संख्या में इसको लगाए और उत्पादन बढ़ाएं। चलिए धन्यवाद आपका। हमारे बीच में और भी सरपंच महोदय हैं, तो आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं? मैं चंद्रकिशोर रांगडाले, मानेगांव खुर्द पंचायत। तो सरपंच महोदय जी, ये बताइए, जो धान अपन बघेल जी के खेत में देख रहे हैं, बूस्टर कंपनी की धान लगी है महासेना जी, तो ये फसल देखने के बाद, अवलोकन करने के बाद आपको क्या इसमें अच्छाइयाँ समझ में आ रही हैं? नहीं, इसमें तो खैर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी समझ में आ रही है, यानी इतने खराब मौसम के बाद भी, यानी कहना चाहिए यहाँ पे रोग ने ज़्यादा आक्रमण नहीं कर पाया, कहना चाहिए भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी लगी मेरे को। बाली साइज वगैरह कैसी है? साइज बहुत अच्छा। ये जो आप चढ़ा कल्ले जिसे कंसे बोलते हैं, वो कैसा किया है? नहीं, कंसे भी बहुत अच्छे हैं वैसे। तो आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? पूरे संतुष्ट। आने वाले समय में इस धान के बारे में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि धान, यानी अच्छी से अच्छी धान मानते हैं हम इसको, यानी अभी तक हाइब्रिड रिसर्च बहुत सी धान है, अभी अच्छा है उस हिसाब से, और अच्छा करें तो बालियों को देख करके तो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए धन्यवाद। आपका क्या शुभ नाम लिखते हैं? श्याम सिंह रांगडाले, बुढ़ैना खुद, पूर्व सरपंच। तो रांगडाले जी, जो धान अपन देख रहे हैं बगल साहब के खेत में, ये धान कैसे लगी? एक नंबर धान है, और धान में क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है, पकीचे भी ज़्यादा है इसमें, और बाली भी अच्छी है, और सबसे बड़ी चीज़ तो किसान जितनी जिम्मेदारी से खेती करेगा उतनी फसल ज़्यादा होगी। जो फसल लगाने के ऊपर ही, लगाने से कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज़ है। चलिए धन्यवाद के लिए। तो आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? बिल्कुल। हाँ। पूर्णतः। आने वाले समय में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे धान बूस्टर महासेना के बारे में? के बारे में मैं किसानों को सलाह दूंगा कि यही धान लगाएं और फसल ज्यादा पैदावार लें।
चलिए धन्यवाद। हर किसान ने ठाना है महासेना लगाना है। हर हर सेना, हर हर सेना, हर हर सेना। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।